हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डे टू इन भुज और कल हमने आईना महल और कौन सा दूसरा महल, प्राग महल था वो देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज हम लोग जा रहे हैं माता का मठ और उसके बाद जो लास्ट, इसको कभी डेस्टिनेशन याद नहीं रहती काम कर मैं ही व्लॉग कर लेती हूँ, जो लास्ट विलेज है वेस्ट साइड पे इंडिया पे, वहाँ पे लखपत पे, वहाँ पे लखपत का फोर्ट है वो देखेंगे और होपफुल इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर आपको वहीं से दिख जाए। दिखती तो हमारी बहुत चील की नजर है ना, वहीं से देख लेंगे। नहीं शायद हम तो देख पाएंगे क्योंकि BSF के जवान वहाँ पे रहते हैं, तो मैं भी कुछ दिखा दे बस जितना हो सके उतना आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। तो चलते और निकलते हैं माता के मठ के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माता के मठ पे। ये बहुत आशापुरा माता का मंदिर है जिसकी बहुत सारी मान्यता है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग है वो यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंस है इस मंदिर की। अनफॉर्चुनेटली अंदर हम शूट नहीं कर सकते मंदिर पे, तो मैं ट्राई करता हूँ जितने भी फोटोज और वीडियोज मैं ले सकूंगा उतना लेके इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बट लेट मी शो यू कितनी भीड़ है आज यहाँ पे। माइंड यू ये वेंसडे है, आज वर्किंग डे है, फिर भी बहुत ही भीड़ है। तो लखपत किले के पास हम लोग पहुंच गए। अंदर एक बहुत ही पुराना गुरुद्वारा है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि गुरु नानक यहाँ पे ठहरे थे और कुछ दिन या महीने पता नहीं स्टोरी कंफर्म करते रह रहे थे यहाँ पे। सो अंदर चलते हैं, अगर अच्छा टाइम हुआ तो शायद लंगर का भी मौका उठा सकते हैं हम लोग, अगर लंगर शुरू है तो। लेट्स गो इनसाइड। तो कैसा लगा अंजलि अंदर दर्शन करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं एक्चुअली पहले भी आई हूँ बट थोड़ा चेंज हो गया हल्का फुल्का। और अंदर उन लोगों ने मना किया था शूट करने के लिए इसलिए मैंने शूट नहीं किया। अब यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है मेरे पीछे एज यू कैन सी, तो चलते देखते हैं लंगर अवेलेबल है या नहीं। लंगर मिल गया हमें, गुरुद्वारे वाली दाल कहीं नहीं मिल सकती, सुकून। और खाने में दाल, रोटी और चावल और पानी मिल गया। इतनी दूर आते और इतना गर्म खाना मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा है गुरुद्वारे का, मस्त खाना मिल गया, मज़ा आ गया। अब खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। एक और आइटम ऐड कर दीजिए इसमें, अब खीर भी आ गई है। तो मस्त है खाना, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो डेफिनेटली लंगर में खाना खाओ, बहुत ही अमेजिंग है। तो पहुँच
चुके हम लोग लखपत फोर्ट, जो कि कच्छ के जो राजा है लखपत राजा, उन्होंने बनाया था, तो उसके नाम से ये फोर्ट है। अभी तो उसके रुइंस ही है। यहाँ पे एक दीवार है पर उसके पीछे वाइट रन जैसा है और समंदर है, तो अभी वहाँ चल के देखते हैं कि कैसा रहता है। वो नाइट गार्ड की फिल्म, नाइट वाली फिल्म है वो, गेम ऑफ थ्रोन्स में आता है। हाँ, वो वॉल वाली ना, वॉल वाली जो गेम ऑफ थ्रोन्स में थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है, पर वहाँ इतनी धूप नहीं होती थी। आई थिंक वहाँ नाइट वाले लोग नहीं होंगे आई गेस। सो दिस इज द वॉल जो पूरा सराउंड करती है, यहाँ से लेके पूरा ऐसा सराउंड करती है, और ये वॉल पे चढ़ के ऊपर जाना है एंड देन उस तरफ नीचे उतरना है, तो वहाँ चढ़ के देखते हैं। आई थिंक वहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंजलि, सीढ़ियाँ तेरी दुश्मन आ गई। अरे यार, ये बड़ी भद्दी सीढ़ियाँ हैं सर। ऐसा कुछ नहीं होता, चढ़ जाओ। देखिए यहाँ से ना पूरी बाउंड्री दिख रही है। हाँ, पूरी बाउंड्री पूरा यहाँ पे पैक करके रखा है, और यहाँ पे ना 30-40 किलोमीटर्स के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। दूर है बट हाँ, पूरा व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है ना, वो पूरा कीचड़ है, व्हाइट डेजर्ट लग रहा है। वहाँ पे पानी शायद शाम को आता है यहाँ तक, या फिर कभी कभी आता है जब भरती या वोट होती है तब। अभी तो नहीं है, तो थोड़ी देर में हम नीचे चलते हैं और फिर वहाँ से नीचे से आपको दिखाते हैं। बाय द वे, गुरुद्वारा है वहाँ पे, लंगर सुबह 10-11 बजे से स्टार्ट ही रहता है, पूरे दिन ऐसा लिखा हुआ था। तो अगर फूड बच गया होगा तो आपको मिलेगा, जैसे हमारे लिए शायद सब्जी नहीं थी तो नहीं मिली, दाल चावल और रोटी और खीर सी तो हमें मिली थी, सो बहुत मस्त खाना था। और अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो डेफिनेटली वहाँ लंगर आप ट्राई करिए, बहुत अच्छा था, एकदम घर जैसा खाना था। और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, आपको स्ट्रक्चर देख के पता ही चल गया होगा। सामने की तरफ BSF वाले, तो वो थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल करते क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे लग जाती है। तो सो नीचे चलते और देखते नीचे से कैसे नज़ारे। यहाँ वॉल पे देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं, तो जब पुराने ज़माने में जब ये किला यूज़ होता था, जब दूसरी तरफ से लोग अटैक करते थे, क्योंकि ये इंडिया का जो एंट्री पॉइंट है वेस्ट साइड से, तो ऐसे यहाँ पे बने हुए हैं यू कैन सी। तो यहाँ पे गन्स रख के सामने की जो सेना आती थी उस पे ना अटैक करके उससे बचा जाता था। क्या हुआ, तुझे कैसे बताया था? मैंने पढ़ा था। अब फिर ठीक है। हाँ। मतलब लड़ाई की थी तूने यहाँ पे? नहीं, कोई लड़ाई नहीं। पाकिस्तानी सोच होगा पक्का। हो सकता हूँ मैं, पर इसीलिए यहाँ पे ऐसा बनाए हुए है क्योंकि यहाँ से गन निकाल के बड़ी बढ़िया तोप निकाल के सामने की टीम से हाँ, तो सामने की जो टीम है मतलब सामने की जो गैंग है उस पर आप अटैक कर सकते हैं। करण सिर्फ पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज लेता है और आपको अब यहीं मिलेगा, तो आप इसका गाइड टूर ले सकते हैं। गाइड टूर ले सकते हो, आप सब्सक्राइब करके आ सकते हो तो आपको फ्री में मिलेगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा बट वहां पे मेरा समंदर दिख रहा है, इसकी दूरबीन की आंखें इसलिए मैंने ये लाल हमें भी दूर तक यही दिख रहा है। मैंने ये लाल चश्मे पहना है तो उसमें दिखाई दे रहा है। हमें कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, पर अभी मुझे देखा हुआ, मैंने सुना हुआ है कि वहां से ना समंदर है, उसके बाद वहां पाकिस्तान की बॉर्डर। हां, ये देख के आया, तभी कोड़े भी पड़े थे थोड़े दिन पहले।